हेलो फ्रेंड्स, आरपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है मई महीने का, वो सारे हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इसरो द्वारा जानकारी के अनुसार मिशन चंद्रयान को किस समय लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है? तो इसका सही जवाब होगा 9 से 16 जुलाई के बीच में। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जापान के नए सम्राट बने हैं? तो जापान के नए सम्राट हमारे बने हैं नारुहितो। ठीक है, ये सब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी भारतीय निशानेबाज महिला 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी बन गई है? तो इसका सही जवाब होगा अपूर्वी चंदेला। ठीक है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है। ठीक है, क्या किस खेल से है? निशानेबाजी से। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश को बैंक नोट ऑफ द ईयर, याद रखना इस चीज़ को, बैंक नोट ऑफ द ईयर पुरस्कार, ठीक है, तो कौन से देश को सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये सम्मान मिला है किसे? कनाडा को। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये अपूर्वी चंदेला है, भारतीय पुरातत्व विभाग यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर, याद रखना स्टेट का, कई बार स्टेट का नाम पूछ देते हैं यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर 4000 वर्ष पुरानी कब्रगाह की खोज की गई है? इसका जवाब होगा सनौली। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति द्वारा किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित। ठीक है, अब देखो ये सबको पता होगा, बहुत ही न्यूज में था, मसूद अजहर। 8वीं एशियाई यूथ वीमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ठीक है, तो ये आयोजन किया जा रहा है हमारा जयपुर में। ठीक है, याद रखना ये हैंडबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे? जयपुर में। हाल ही में किस शहर ने पूर्ण महिला पुलिस गश्त का ही, जिसका नाम क्या दिया गया है? रानी अबक्काबल। ठीक है, रानी अबक्काबल, ये कहाँ पे किया जा रहा है? ये मंगलुरु सिटी में ऑर्गेनाइज की। ठीक है, ये महिला पुलिस गश्त इकाई है ये, राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो ये प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है हमारा 3 मई को। ठीक है, 3 मई को, राइट, इसी दिन प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नासा द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, अब देखो ये जो है ना, इतने नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 9942 अपोपिस, सिर्फ याद रखना ना एक एस्टेरॉयड है। ठीक है, ये नाम तो ऐसे ही आपको दिख जाएगा, एस्टेरॉयड है जो पृथ्वी के नज़दीक से गुजरने वाला। ठीक है, ये कब गुजरने वाला है? उम्मीद है कि ये 2029 तक ये गुजरेगा। ठीक है, ये प्रिडिक्शन किसका है? नासा की स्टडी का। अगला प्रश्न है, फ्रांस ने इसरो के किस पूर्व चेयरमैन को, याद रखना है, किसने दिया है? फ्रांस ने किसको दिया है? इसरो के पूर्व चेयरमैन को। अब सम्मान का नाम क्या है? सेवेलियर डी एल ऑर्डर नेशनल डी लॉ लीजेंड ऑनर, ये सम्मान है। ठीक है, अब इतने बड़े नाम याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, बस याद रखना है कि फ्रांस ने इसरो के पूर्व चेयरमैन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है। ठीक है, सम्मान दिया है, उनका नाम क्या है? AS किरण कुमार। ठीक है, ये क्या है? इसरो के पूर्व चेयरमैन है, राइट। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने बोर्ड में पहली बार स्वतंत्र महिला, याद रखना, महिला निदेशक, ठीक है, वीमेन डायरेक्टर, राइट, किसने? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, BSE, इसको बनाया है? जयश्री व्यास को, राइट। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा पहला देश है जिसमें जलवायु आपातकाल लागू किया गया है? तो ये जलवायु आपातकाल लागू करने वाला देश कौन सा है? कौन सा है? ये है ब्रिटेन। ठीक है, राइट। अब देखो ये क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट है जलवायु आपातकाल, पहले ऐसा कभी लगा नहीं था। ठीक है, ये इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इसीलिए क्या है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है, राइट, ब्रिटेन। अब अगला प्रश्न है, किसने नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला? देखो ये एक्सपेक्टेशन तो पहले से ही था, ये करमबीर सिंह को बनाया है। ठीक है, अभी इन्होंने चार्ज भी ले लिया 31 मई को,
राइट, यह करमबीर सिंह। अगला प्रश्न, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने यानी किस हाई कोर्ट ने जीरो पेंडेंसी नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया है? ये क्या है? जीरो पेंडेंसी कौन से हाई कोर्ट ने उच्च न्यायालय ने किया है? दिल्ली। ठीक है, याद रखें, दिल्ली उच्च न्यायालय ने, दिल्ली हाई कोर्ट। राइट, निम्नलिखित में से किस देश में G7 है ना, G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये G7 है ना, शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? फ्रांस में। डी होगा हमारा सही जवाब। विश्व अस्थमा दिवस 2019 का थीम क्या? ये थीम बेस्ड है ना, बहुत ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। ये है इसका सही जवाब होगा, स्टॉप फॉर अस्थमा। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि अस्थमा दिवस मनाया कब जाता है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस ये हम मनाते हैं कब? 8 मई को। राइट, अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी की आत्मकथा गेम चेंजर के नाम से रिलीज की गई है? ठीक है, ये गेम चेंजर एक नई बुक आई है, क्या नाम है? गेम चेंजर। किसकी है? शाहिद अफरीदी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पनामा के राष्ट्रपति के लिए चुनाव में जीत दर्ज की है? तो पनामा के जब चुनाव हुए थे, वहाँ के राष्ट्रपति को उम्मीदवार के रूप में किसने जीता है? लॉरेंटिनो कोर्टेजो ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? ठीक है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, ये क्या है ना, पूरा वीक होता है उसमें मनाया जाता है। ठीक है, पूरे वीक में क्या है कि ऑब्जर्व करते हैं और सड़क सुरक्षा से रिलेटेड है ना, अवेयरनेस भी फैलाने की हम कोशिश करते हैं। इसका जवाब होगा 6 से 12 मई। राइट, क्या है? 6 से 12 मई। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध खिलौना कंपनी हैमलेज, ठीक है, हैमलेज को एक्वायर कर लिया है यानी अधिग्रहण कर लिया है? ठीक है, ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज। राइट, हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS कोलकाता, याद रखना है इसका जहाज का नाम क्या है? INS कोलकाता। और INS शक्ति दक्षिणी चीन सागर में किस संयुक्त युद्धाभ्यास में शामिल हुए? ठीक है, अब देखिए, साउथ चाइना सी जिसको बोलते हैं ना, वही है। ठीक है, साउथ चाइना सी, कई बार ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर। अब देखो, इसमें जो हुआ था ना, इसमें ग्रुप का नाम क्या था, मतलब ये युद्धाभ्यास हुआ था, उस ग्रुप का नाम क्या था, यही आपको बताना है। ठीक है, इसका नाम क्या था? ग्रुप सेल। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली महिला नक्सल विरोधी कमांडो यूनिट तैयार की गई है? इसका जवाब क्या होगा? छत्तीसगढ़, क्योंकि यहाँ पे है ना नक्सलाइट बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए क्या है ना, पहली महिला नक्सल विरोधी कमांडो यूनिट बनाई गई है। ठीक है, इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। छत्तीसगढ़ में, केरल में मंदिरों के उत्सव के नाम से प्रसिद्ध किस उत्सव का हाल ही में शुभारंभ किया गया? आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है और ये आ सकता है। ठीक है, क्या नाम है? त्रिशूर पूरम, ये केरल का एक त्यौहार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2019 को किस नाम से मनाने के लिए भारतीय थल सेना ने हाल ही में घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है, इसका क्या नाम है? ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ कीन। इसमें क्या है ना कि ये जो शहीद हो जाते हैं या फिर जो डिजेबल हो गए, जो अब लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो उसके जो कीथन कीन है ना, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, उससे मिलने के लिए मिलने जाते हैं, उसको क्या ना स्कीम के बारे में बताते हैं कि क्या क्या आपके पास राइट्स हैं, क्या क्या आपको स्कीम्स मिल सकती है। ठीक है, निम्नलिखित में किस टीम ने IPL 2019 का खिताब जीता है? ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, फिर भी मैंने इंक्लूड कर लिया है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। एक और क्वेश्चन लिया है मैंने IPL से कि पर्पल कैप का खिताब किसको मिला है, ये भी मैच जितने भी लोग देखते हैं ना, सबको पता होगा, इमरान ताहिर। राइट, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सीएट महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया है? अब देखो, जहाँ पर अगर महिला क्रिकेट
क्रिकेटर का नाम आता है तो चारों जो लिया है ना मैंने, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना, तो ये सब क्या है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें क्या है सीट महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो मिला है उसका जवाब होगा क्या स्मृति मंधाना। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा हाल ही में ह्यूमन टिश्यू की मैपिंग करने के लिए किस नाम से पहल आरंभ की गई है, याद रखना क्या है ह्यूमन टिश्यू, ठीक है, उसकी मैपिंग कर रहे हैं, ये क्या है नाम क्या है इसके योजना का, ये है मानव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मैकन इंस्टीट्यूट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित होने वाली महिला कौन है, छाया शर्मा। ये क्या ना निर्भया कांड जो हुआ था ना दिल्ली में उसकी जांच करने वाली आईपीएस ऑफिसर थी, ठीक है, अभी आईपीएस ऑफिसर है। अगला प्रश्न केंद्र सरकार ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम जिसे हम क्या बोलते हैं लिट्टे, इसको ऐसे भी लिखते हैं LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ठीक है, के खिलाफ प्रतिबंध को और कितने साल के लिए तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिया गया है, जो कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है 5 सालों के लिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने 13 मई 2019 को ओडिशा के चांदीपुर, ठीक है, में किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया है, ये क्या नाम था ड्रोन का, ये था अभ्यास, ठीक है अभ्यास। किस राज्य के पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर जन्मदिन मनाने के दौरान चेहरे पर केक लगाने, टेप चिपकाने, फोम या अन्य केमिकल फेंकने पर प्रतिबंध लगाने को लेकर निषेधाज्ञा जारी की है। आपने कई बार देखा होगा कि लोग क्या है ना रोड पे ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और केक वेक डब्बे ऐसे ही फेंक करके चले जाते हैं या फिर लोगों पे ये चिपका देते हैं ऐसे, ठीक है, तो ऐसा करने वाली कौन सी पुलिस है, गुजरात पुलिस। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश के इगोर स्टीमेक को भारतीय फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है, ठीक है, ये क्या है क्रोएशिया के कोच का नाम क्या है इगोर टीमेक। हाल ही में GSI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में कुल ग्रेफाइट का 35% भाग मौजूद है, ये क्या नाम है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे क्या है ना ग्रेफाइट का 35% से भी ज़्यादा मौजूद है और ऐसा किसने कहा है GSI राइट GSI ने, ठीक है, ये सर्वे ऑफ इंडिया जो होती है ना उनका ही काम ये होता है राइट अरुणाचल प्रदेश। RBI ने ई पेमेंट सिस्टम के लिए किस नाम से पहल आरंभ की है, तो RBI ने एक नया क्या है ना एक पहल आरंभ किया है ई पेमेंट के लिए, उसका नाम क्या है विजन 2021, ठीक। अगला प्रश्न है केंद्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में देश में मौजूद किस जंगली जानवर के DNA का डेटाबेस तैयार करने का निर्णय लिया है, तो कौन से जानवर का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है भाई, ये किया जा रहा है गैंडे का, ठीक है, जवाब क्या होगा हमारा D गैंडे का। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत किस राज्य में गंगा के जल ग्रहण क्षेत्र में स्थलीय समुदाय और अन्य हितकारकों के सहयोग से 10,000 रुद्राक्ष के पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया, किस चीज़ का रुद्राक्ष का पेड़ लगाना लगाया जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है अगर रुद्राक्ष की हम बात कर रहे हैं तो कौन सा राज्य आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री चुना गया है, तो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं, ये हमारे स्कॉट मॉरिसन। भारत और निम्न में से किस देश के बीच सिम्बेक्स, अब देखो ये सिम्बेक्स आपको पता ही चल गया होगा कि किसके किसके बीच में, एक तो इंडिया हो जाएगा, ठीक है, यानी हो गया हमारा एक हो गया भारत, दूसरा सिम्बेक्स यानी सी से क्या हो जाएगा हमारा सिंगापुर, ईजी है ऐसे आप याद रख सकते हो भारत और सिंगापुर के बीच में। भारत के किस राज्य ने पहली बार अपतटीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड बाजार में मसाला बॉन्ड जारी किया है,
ठीक है। अब देखो ये मसाला से आपको क्या याद आना चाहिए, कौन सा स्टेट याद आना चाहिए, आपको याद आना चाहिए केरल। ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं, यानी मसाला बॉन्ड किसने जारी किया है, केरल ने। निम्नलिखित में से किसे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन का पहला मुखिया नियुक्त किया गया है? पहला मुखिया कौन बने हैं? मेजर जनरल AK ढींगरा। किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 1.9 लाख, ठीक है, 1.9 लाख शिक्षकों की अनुपस्थिति और पढ़ाने के प्रति गंभीरता की कमी पर नज़र रखने के लिए कॉल सेंटर स्थापित किया है? ऐसा किसने किया है? गुजरात सरकार ने। जोको विडोडो हाल ही में दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? याद रखना क्या नाम है, जोको विडोडो इंडोनेशिया के। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, दिवस का थीम क्या है? ये थीम के रिलेटेड हमने क्वेश्चन लिया है, हमारी जैव विविधता, हमारा खाद्य, हमारा स्वास्थ्य, आवर बायोडाइवर्सिटी, आवर फूड, आवर हेल्थ, ऐसा करके आया है, ये होगा फर्स्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने PSLV-C46 के जरिए किस रडार सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये किया गया है RESAT-2B, ये वाला सी। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बूकर इंटरनेशनल पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये क्या है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना ही चाहिए, ये किसी न किसी एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, और किसी ने सारे एग्जाम्स में आएंगे, किसी न किसी शिफ्ट में तो पूछा ही जाएगा, आप याद रखना इस चीज़ को। ये देखो बुकर प्राइस से दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो किसे मिला है और दूसरा कौन से बुक से मिला है, ठीक है, तो कमेंट में आप मुझे बताओ कि बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जो इनको मिला है किस बुक के लिए मिला है, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ऑथर का क्या नाम है, जोका अलार्थी, बुक का नाम आपको बताना है, कैसे बताएंगे आप मुझे, कमेंट करके, ठीक है। भारत में हाल ही में किस वायुसेना के विमान में स्वदेशी बायोजेट ईंधन के प्रयोग हेतु मंजूरी दी गई है? ये मंजूरी दी गई है AN-32 में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने किस लड़ाकू विमान से देश में 500 किलोग्राम वजन की श्रेणी के गाइडेड बम का सफल परीक्षण किया है? अब देखो आपको याद होगा पुलवामा हमले के बाद है ना, हमने जो यूज़ किया था ना बम, वो बेसिकली क्या था, इजराइल का था, ठीक है। अब हमने क्या है ना, वैसा गाइडेड बम को हमने इंडिया में बनाने की कोशिश की है और उसका ट्रायल है ना सक्सेसफुल भी रहा है। क्या है? इसका नाम क्या आएगा हमारा, सुखोई। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की है? अब देखो ये राष्ट्रपति वाले हैं ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी न किसी कंट्री का, और अगर राष्ट्रपति आ गया तो उस कंट्री का आपको कायदे से तो वहाँ की करेंसी, वहाँ की कैपिटल भी याद रखनी चाहिए। व्लादिमीर जेलेंस्की इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय डॉक्टर को ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर 2018-19 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किसको किया गया है, हेमा दिवाकर को। क्या नाम है डॉक्टर का, हेमा दिवाकर। हेमा दिवाकर कौन होगा हमारा सही जवाब, बी। बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किड्स राइट्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? याद रखना इस इंडेक्स का क्या नाम है, किड्स राइट्स इंडेक्स, इसमें भारत का कौन सा पोजीशन है, तो भारत का कौन सा पोजीशन आया है, 117वां। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकसभा चुनाव 2019 में चुनी गई देश की सबसे युवा सांसद का नाम क्या है? क्या नाम है, आपको याद रहना चाहिए, चंद्राणी मुर्मू, सी होगा हमारा सही जवाब। DRDO द्वारा जमीन से 25 किलोमीटर तक हवा मार करने वाले किस मिसाइल का चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया है? आकाश 1S इसका नाम है, ठीक है, आकाश 1S।
निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पुनः मलावी का राष्ट्रपति चुना गया है? तो मलावी का राष्ट्रपति किसको चुना गया है? पीटर मुथारिका को। अगला प्रश्न, सिक्किम के किस मुख्यमंत्री ने 27 मई 2019 को शपथ लेने के बाद घोषणा किया कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को हर हफ्ते 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, मतलब उनको सप्ताह में कितने दिन काम करने होंगे? 5 दिन। ऐसा करने वाले सीएम का नाम क्या है? प्रेम सिंह तमांग। तो 2 क्वेश्चन इसमें हो गया, एक तो सिक्किम के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो उसका जवाब होगा प्रेम सिंह तमांग, और उन्होंने एक बड़ा डिसीजन क्या लिया है, 5 दिन, 5 डेज वीक। अगला प्रश्न है, श्रीलंका ने भारत और किस देश के साथ मिलकर कोलंबो पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल बनाने के लिए समझौता किया है? याद रखना कौन सा है, कोलंबो पोर्ट। तो इसमें कौन कौन से 2 देश आएंगे, एक आएगा हमारा भारत, प्लस में कौन आएगा हमारा, जापान। इसका जवाब कौन सा होगा हमारा, पहला ए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने आम आदमी को राहत देते हुए RTGS के जरिए पैसे भेजने का समय 1.5 घंटे बढ़ाकर शाम कितने बजे तक कर दिया है? तो पहले ये 4:30 बजे हुआ करता था, अब क्या 6 बजे तक ये चलेगा। ये पेमेंट सिस्टम का नाम क्या है, RTGS। RTGS का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, दो मैं बता दूँ, रियल टाइम, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, रियल टाइम, चलो 2 अक्षर का आप देख लो, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। याद आया, याद आया तो कमेंट में बता देना है, बैंकिंग वाले जो एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसको तो याद होना चाहिए। अमेरिकी वित्त विभाग ने हाल ही में भारत और किस देश को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से बाहर कर दिया है? इसमें क्या है ना, अमेरिका ने भारत और भी कंट्री, बहुत सारे देशों को उसने क्या है कि ऑब्जर्वेशन पर रखा था, जिसमें भारत का नाम क्या है, वो लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। एक भारत का किया है, दूसरा क्या किया है, स्विट्जरलैंड का। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि करेंसी जो मैनिपुलेट करते हैं उससे बचने के लिए। चीन ने हाल ही में किस देश के साथ जारी ट्रेड वॉर में रेयर अर्थ मिनरल धातु को नया हथियार बनाने के संकेत दिए हैं? अब देखो, ट्रेड वॉर का अगर जहाँ पर भी आपको बात आए ना, तो अभी जो भी चल रहा है ट्रेड वॉर, वो किसके बीच में चल रहा है, अमेरिका और चीन के बीच में। इसका सही जवाब क्या होगा, अमेरिका। इसलिए ट्रेड वार की अगर बात आए ना, तब 2 देश याद रखना, एक चीन और दूसरा अमेरिका। दूसरे देश भी हो सकते हैं, बट ये क्या है ना, ये प्रमुख रूप से है। कुछ नहीं याद आने लगे ना, तो इस पे आप है ना गेस कर सकते हैं। आपदा शेष लगाने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन बना है? आपदा शेष ये किसने किया है, केरल ने, क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत बड़ी अभी नेचुरल कैलामिटी आई थी, वो बाढ़ आ गए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर ली जोंग वूक प्राइज जीता है? ये ऐसा जीतने वाले कौन है, प्रोफेसर बलराम भार्गव। अगला प्रश्न है, सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? देखो, अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि ऐसा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्या नाम है, प्रेम सिंह तमांग, याद रहा ना, भूल गए, याद रहना चाहिए। किस भारतीय लेखक ने हाल ही में 9 डॉट्स प्राइज 2019 जीता है? तो ऐसा जीतने वाले कौन है, एनी जैदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है, इनका संबंध है निशानेबाजी से। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना की है? ये ब्लॉकचेन क्या है ना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है, ऐसा करने वाला राज्य है हमारा तेलंगाना। और ये मई महीने का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने अरोमा मिशन लॉन्च किया है? अरोमा मिशन लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है, यह है मेघालय, ठीक है। तो इसी के साथ है ना मई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मुझे लगता है तो मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी मैंने बहुत सारे कोर्सेस बना रखे हैं, ठीक है, तो देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, आपका सिलेक्शन जल्दी हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।